डेली हिंदी एंड उर्दू टीवी सिचुएशन इन कैनेडा एंड अराउंड एयर कैनेडा की जानब ऐसी अमरीका के लिए लेजर और बिजनेस दोनों तरह की परवाजों की तशहर जारी माहत ने, ने मुतना को खतरनाक करार दे दिया कोरोना वायरस के सबब माली मुश्किल का सामना कैनेडा में तारकिन वतन हुकूमत से शहरियत की फीस को खत्म करने का वादा पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं साइबर हमलों के सबब हजारों अफरा का डाटा ज़ायर होने के बाद कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी ने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज बंद कर दी हैं। न्यूजीलैंड हुकूमत का कोरोना वायरस के पेश नजर आम इंतवी करने का ऐलान ऑकलैंड में मुसलसल नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बास इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी मुतासर होने वाले अफरा की तादाद एक लाख बाईस हजार सतासी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की इंतवाली मुहिम में भी मुस्लिम प्लेटफॉर्म बन गया रिपब्लिकन रहनुमा साजिद मुस्लिम वॉयस फॉर ट्रम्प की क्यादत करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद दो करोड़ अठारह लाख 43 हजार 615 सौ पंद्रह तक जहाँ पहुंची है जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें सात लाख तिहत्तर हज़ार तीन सौ हो गई कोरोना वायरस वैक्सीन के हवाले से चीन का अहम इकदाम सी सी डी आई की जानब से जवाब जारी कर दिए गए हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ ग्रीन एस सैनिटाइजर ना ऑयले ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्बेशन और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी खरीबी फार्मेसी ऐसी खरीदे या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें डब्ल्यू 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 डॉट ग्रीन एस डॉट कॉम मतनाज़ा कवानी के सबब माहहत ने, ने खबरदार किया है कि अमरीका के लिए गैर ज़रूरी परवाज़ों की तशहर नुकसानदेह साबित हो सकती है और सफ़र करने वाले अपने घर में करोना वायरस ला सकते हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में एयर कैनेडा अमेरिका के लिए लेजर और बिजनेस दोनों तरह की परवाजों की दस्तयाबी को फ़रोग दे रहा है यहाँ तक इस मुल्क में करोना वायरस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है जबकि वफाक ट्रेवल एडवाइजरी मुल्क से बाहर किसी भी गैर जरूरी सफ़र के खिलाफ इंतबाह जारी रखे हुए है एयरलाइन की बुकिंग की टेलीफोन लाइन पर चलने वाली रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि क्या आप अमेरिका में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दोबारा मिलने के ख्वाह हैं क्या आप जानते हैं कि कनाडा के शहरियों को तफरी या कारोबार के लिए हवाई अड्डे या अमेरिका से सफर करने की इजाज़त है एयर कनाडा की वेबसाइट की तफसी हासिल की जा सकती है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनेडा ने रियासत हाय मुतहद अमेरिका के गैर जरूरी सफर के लिए तमाम जमीनी रास्तों को बंद किया हुआ है इन हालात में कनेडा के शहरियों या अमरीकी शहरों दोनों ममालिक के दरमियान हवाई सफर करने ऐसी मना नहीं करता है। इन के हो सकती है। और सफर करने वाला अपने घर में नए आने वालों का कहना है कि करोना वायरस के माली हालात पर मनफी असर के सब कनेडा की शहरीत का हो रहा है मज़ीदान इस रिपोर्ट में कनेडा में तारिक वतन हुकूमत से शहरीत की फीस को खत्म करने का वादा पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं नए आने वालों का कहना है कि कोरोना वायरस के माली हालात हर मनफी असरा के सब कनाडा की शहरीत का मुश्किल हो रहा है जैसे ही अमेरिका शहरीत की फीस में इजाफे का इकदाम करता है कनाडा इस लागत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का इरादा रखता है कनाडा की हुक्मरान हुक्म लिबरल ने अपनी इंतजामी मुहिम में छह डॉलर की फीस माफ करने का वादा किया था कनेडा में नए आने वाले ने वतन जिन्हें करोना वायरस के सब माली मुश्किल का सामना है अब वो हुकूमत वादे की तकमील के मुंतजर है ने वतन का कहना है की अगर हुकूमत अपने वादे की तकमील नहीं करती तो उनकी मुश्किल में मजीद इजाफा हो जाएगा कैनेडिया रेवेन्यू एजेंसी ने 2000 साइबर अटैक्स की इतला के बाद अपनी ऑनलाइन खदमात को आर्जी तौर पर गैर फाल कर दिया है जिससे हजारों अकाउंट्स मुतासर हुए हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में साइबर हमलों के सब हजारों अफराध का डाटा जाहिर होने के बाद कनेडा रेवेन्यू एजेंसी ने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज बंद कर दी हैं कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी ने दो हजार साइब्रेड अटैक्स की इतला के बाद अपनी ऑनलाइन को खदमजी तौर पर गैर फाल कर दिया है जिससे हजारों अकाउंट्स मुतासर हुए हैं एक बयान में सी ने इस बात की तस्दीक की है कि ऑनलाइन खदमात को इजाफी एहतियात के तौर पर गैर फाल किया जा रहा है इसके तहत माई अकाउंट और माई सर्विस कनेडा के दरमियान भी रवाबित आर्जी तौर पर बंद किए जा रहे हैं ऑनलाइन खदमत को कब किया जाएगा इसके लिए सी आर ए ने कोई टाइम लाइन फरहम नहीं की है दो मुख्तलि में तकरीबन साढ़े पाँच हजार ऐसी जायद अफराद इन हमलों ऐसी मुतासर हुए सी आर ए की ऑनलाइन सर्विस बंद होने ऐसी हुकूमत की जानव ऐसी आवाम के लिए दी जाने वाली कैनेडा एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट और दिगर इमदाद के लिए खदमात मुत्तर रहेंगी सी आर ए तर्जुमान के मुताबिक आर सी एम पी ऐसी कानून नाफिज करने वाले इमदाद की दरखास्त की गयी है इसकी तहकीकत का आगाज कर दिया गया है न्यूजीलैंड चीन के बाद दुनिया का पहला मुल्क था जिसने कोरोना वायरस से निजात पाकर मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया था ताहम अब कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं इस हवाले से मजीद जानते हैं न्यूजीलैंड हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र आम इतब मुलतवी करने का एलान कर दिया गैर मुल्की खबर की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में वबाई मर्ज के नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद वजीर आजम जसेंद्रड्रन ने मुल्क में इलेक्शन रवान साल सत्रह अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है रिपोर्ट के बाद मुल्क में आलमी इंतबाब रवान साल उन्नीस सितम्बर ऐसी होना थे लेकिन न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मुसलसल नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया हुकूमत के इस फैसले आरोप अपोजीशन जमाते भी मुतफिक हैं अपने ताज़ा बयान में वजी जम का कहना था कि हम आम इंतबाब को कोरोना से महफूज रखना चाहते हैं। न्यूजीलैंड में इलेक्शन का मौसर निज़ाम मौजूद है ख्याल रहे की न्यूजीलैंड चीन के बाद दुनिया का पहला मुल्क था कोरोना वायरस ऐसी निजात पाकर मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया था तहम अब कोरोना वायरस के नए केसेज रिपोर्ट होने लगे है याद रहे की न्यूजीलैंड में रवा साल मई ऐसी कोरोना केसेज रिपोर्ट होना बंद हो गए थे जिसके बाद हुकूमत ने जून में करोना के खात्मे का एलान कर दिया था लेकिन इसके बाद जून और जुलाई में दोबारा कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन हुकूमत ने मजकूरा मरीजों की तस्दीक नहीं की थी कैनेडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराध की तादाद नौ तक जा पहुँची है इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाख बाईस हजार सतासी हो गई है मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाईस हलाक होने वाले अफराद की तादाद नौ हजार छब्बीस तक जा पहुंची है क्यूबैक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेज की तादाद इकसठ हजार एक सौ इक्यावन हो गई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाईस हलाकतों की तादाद पाँच हजार सात सौ बीस तक पहुँच चुकी है ऑनटेरियो में करोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद चालीस हजार छह सौ छियालीस तक जा पहुँची है गुजतर दो रोज के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है सूबे में हलाक होने वाले अफरा की तादाद दो हजार सात सौ नवासी है अलबर्टा में बारह हजार तिरपन अफराध करोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि दो सौ इक्कीस अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में चार हजार तीन सौ अट्ठावन अफराद में करोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में करोना वायरस हलाकतों की तादाद एक सौ छियानवे है साजिद ताड़ा का कहना था कि यह पहली मरतबा है कि किसी भी अमरीकी सदारती मुहिम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म फरहम कर दिया है जिससे हमारी बड़ी मुस्लिम अमरीकी कम्यूनिटी की नुमाइंदगी होगी इस हवाले से मजीद जानते हैं अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप की मुहिम में मुस्लिम प्लेटफॉर्म बन गया है तफसलत के मुताबिक डॉनल्ड ट्रम्प की मुहिम ने भी मुस्लिम वॉइस फॉर ट्रम्प प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया है रिपब्लिकन रहनुमा तारर मुस्लिम वॉय फॉर ट्रम्प की क्या करेंगे उन्होंने कहा की ये प्लेटफॉर्म कामयाबी ऐसी ट्रम्प के लिए सदारती इंतबा मुहिम चलाएगा इधर पाकिस्तानी निजात अमरीकी सियासतदान साजद तारर को रिपब्लिकन कन्वे ऐसी एक बार फिर खिताब की दावत दी गई है ट्रंप की गुजशत इंतम में भी साजद तारक ने कन्वे ऐसी खिताब किया था साजिद तारा का कहना है कि ये पहली मरतबा है कि किसी भी अमरीकी सदारती मुहिम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म फरहम कर दिया है जिससे हमारी बड़ी मुस्लिम अमरीकी कम्यूनिटी की नुमाइंदगी होगी और ये नुमाया हो जाएगी वाजिर रहे इससे कबल अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कई मरतबा इस अज़म का एलान कर चुके हैं की वो सदर मुंतब हुए तो मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करेंगे उन्होंने मुस्लिम फॉर बाइडन के प्लेटफॉर्म ऐसी होने वाली ऑनलाइन फंड रेजिंग तक ऐसी खताब में कहा था की ट्रम्प ने नफरत और नस्ली इम्तियाज का प्रचार किया और हालिया बरसों में मजहब की बुनियाद पर में पंद्रह फीसद इजाफा हुआ कोरोना वायरस की वबा से दुनिया अब तक छुटकारा पाने में नाकाम है न ना सिर्फ मरीजों बल्कि अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है इस हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया भर में करोना वायरस ऐसी मुताद की तादाद दो करोड़ अठारह लाख तैतालीस हजार छह सौ पंद्रह तक जा पहुँची है जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें सात लाख तिहत्तर हजार तीन सौ हो गयी अमरीका तहाल करोना वायरस ऐसी सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा है अमरीका में करोना वायरस ऐसी अब तक एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद पचपन लाख सड़सठ हजार हो चुकी है करोना वायरस के मरीजों की के हवाले से ममालिक फहरिस में ब्राजील दूसरे नंबर पर है जहाँ ये वायरस एक लाख सात हजार नौ सौ जिंदगी निकल चुका है जबकि कोरोना मरीजों की तादाद तैतीस लाख चालीस हजार दो सौ तक जा पहुँची है भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस में तीसरे नंबर पर पहुँचा हुआ है जहाँ कोरोना ऐसीवन हजार उन्नासी हलाकते हो चुकी हैं जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद छब्बीस लाख इक्का हजार दो सौ नब्बे हो गयी कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात पंद्रह हजार सात सौ चालीस हो गई जबकि इसके मरीजों की तादाद नौ लाख हजार सात सौ पैतालीस हो चुकी है सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात तीन हजार चार सौ आठ रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिकत में इसके मरीजों की तादाद दो लाख अट्ठानवे हजार पाँच सौ बयालीस तक जा पहुँची है तुर्की में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा है एक माह बाद दूसरे रोज एक हजार ऐसी केस रिपोर्ट हुए सऊदी अरब और रूस के दरमियान करोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से मुतलिक अहम माहदा तय पा चुका है मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में चीन ने कोविड 19 की वैक्सीन के हवाले से जवाब जारी करते हुए कहा है कि अगर वैक्सीन की अफादियत की शरह कम अज कम पचास फीसद हो और वो कोरोना वायरस के खिलाफ कुत मदाफत छह माह तक बरकरार रखे तभी इसकी मंजूरी दी जाएगी बैन अवी मीडिया के मुताबिक चीन के सेंटर फॉर ड्रग एबुलेशन सी डी ए का तजवीज़ करदा मुसविदा सामने आया है जिसमे करोना वायरस वैक्सीन के हवाले ऐसी जवाब दिए गए हैं चीन ने कहा की कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए वैक्सीन की मंजूरी इसी सूरत में दी जाएगी जब उनकी अफादियत की कम अज कम पचास फीसद और कोरोना वायरस के खिलाफ कुत मदाफत छह माह तक बरकरार रह सके अगरचा इसमें वैक्सीन की कम अज़ कम अफादियत पचास फीसद करार दी गई है मगर वैक्सीन के लिए जो हदफ मुकर किया गया है वो सत्तर फीसद आबादी के लिए मौसर होना है दूसरी जानब सऊदी अरब और रूस के दरमियान कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल ऐसी मुतालिक अहमदा तय पा चुका है अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दुनिया की पहली करोना वैक्सीन तैयार की है रूस की वैक्सीन मंसूबे में अब सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है महाहे के तहत रियाज और मॉस्को हुकूमत मिलकर काम करेगी टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन